अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। और जी आज मसरूफियत ख़त्म होने के बाद जो ये आ चुके हैं घर पर, आ चुके हैं। ईद का तीसरा दिन है, दो दिन तो बड़े मसरूफ थे, गायें वगैरह काटने। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना थके हुए हैं, लेकिन हम फिर भी अभी बाहर जा रहे हैं। देखें ईद का तीसरा दिन है, कहीं कुछ मिल जाए। देखते काटी है सबकी, कटते हुए नहीं देखी, एक हसरत सी रह गई। ईद के दो दिन व्लॉग नहीं बनाया, ईद के दो दिन या चांद रात वाले दो तीन दिन हो गए व्लॉग नहीं बना रहे थे। असल में मसरूफ बहुत थे, जिस तरह मसरूफ थे उस तरह मैं भी बहुत मसरूफ थी। ऐसा नहीं है कि घर में हम फारिग बैठे हुए। चलें अभी देखते हैं आज से क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलें अभी तो चलते हैं बाहर। ओके। आप देख सकते हैं ईद की मसरूफियात अम्मी और फिजा की, ये गोश्त साफ करने में लगी हुई हैं, क्योंकि मेरी माँ गोश्त साफ़ किए बगैर फ्रिज में नहीं रखती और ख़ुद गोश्त साफ कराती है। देखें हाँ वही कराती हैं। कर करके ना इनका दिमाग ज़्यादा सेट है, मेहरबानी कर करके यूँ साफ थक चुके हैं, इसलिए वो मम्मी को भी सहेली समझ रहे हैं। माँ होती है यार दोस्त। और यूँ साफ हमें छुरी तेज करके नहीं दे रहे हैं, हम बहुत ख़राब छुरी से गोश्त साफ कर रहे हैं और हमारा गुस्सा आसमान को छू रहा है। हेलो गाइस, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मेरी ईद असल में जो स्टार्ट हुई है, अब मैं उस टाइम दोपहर में बाहर निकला था लेकिन धूप इतनी थी कि मैं दो मिनट में घर में आ गया, फिर आके लेट के सो गया। मैंने बोला चलें अब बाल वाल कटवा लें, ईद गुजर गई है तो बाल वाल कटवा के आने के बाद अब हम जा रहे हैं सौदा लेने। तो ईद में मैं बड़ा मसरूफ़ था। क्या मसरूफियत थी मैं थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखाऊँगा। पहले चांद रात वाले दिन धार लगाने में, दूसरों के सामान पे जो मशीन से गिलेंडर से धार लगा रहा था उसमें, फिर रात में अपने सामान को पत्थर से धार लगाए, उसके बाद ईद पे कुर्बानियाँ की, वो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप दिखा दूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे एरिया की पहली गाय जो है वो ज़िबा होने वाली है और ये लोग जो हैं बाहर खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं गाय के निकलने का। जैसे ही कुर्बानी होगी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो। घर में भाग जाएंगे हम दोनों आकर भाग गए। एक मिनट ये लस्सी पहले वहां से लूज कर दे, थोड़ा पाँव से बांध दूंगा ना। हम तो लस्सी किसो
बस छोड़ दो बस बस सो फ्रेंड्स, हमारी एरिया की पहली गाय जो है वो कुर्बान हो चुकी है। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सब लगे हुए हैं कुर्बानी करने में। अब हमारी एरिया की दूसरी गायें जब गिरेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और अयूब जो कुर्बानी करने जाएंगे उसकी भी व्लॉगिंग मैं तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये है कि अपलोडिंग वीडियो जो है वो मैं कर दूंगी। द ग्रिल आ जाती है ना। हाँ नहीं, व्लॉग में क्या बोलूँगी, इधर ग्रिल आ जाती है।
मैंने चूरी रखी थी, ये उठा के देंगे कामरान भाई। कामरान भाई चूरी, एहसन भाई चूरी पकड़ाओ यार। नहीं रखते ही मत, नोक रख के आगे लगी जा, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह बोलो। पर रुक जा नहीं मार रहा, छोड़ दे पर छोड़ दे, खुद ही हटा, मैं भी यही कह रहा हूँ। देख खुद ही मैंने सबकी देखी थी। अभी फिजा हो रही है रेडी, तकरीबन हो चुकी है। ये रही फिजा, मैंने ली थी एक अदद नोज रिंग, अब मैं उसको पहनने की जद्दोजहद कर रही हूँ जी। सो अभी ये रेडी हो जाए तो हम बाहर जाते हैं सौदा लेने, क्योंकि आज घर में बन रहा है पुलाव बिरयानी। तो उसके लिए थोड़े सामान वामान लेके आए, क्योंकि ईद पे तो मैं बिल्कुल नहीं निकला कुछ भी लेने लाने। तो अभी जाते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिन हो गए घर पे, शाम में चाय भी नहीं पी, तो अब चाय बनवाएं, चाय पिए, सामान वामान लाएं और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है क्या नहीं। अभी हम आए हैं बैंक और फिजा का यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ चल रहा है AC। जो बात है ये बोल रही है बस इधर ही रुक जाए, आगे पीछे कहीं ना जाए। तो चलें बैंक के बाद हम जाते हैं थोड़ा सब्जी लेने, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
गाइस हम आ चुके हैं घर और आपको मैं जैसे कि बताऊं कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है बकरीद के तीनों दिन में कि अदरक जो है हम मतलब अदरक लेने के लिए हम गए थे, लहसुन अदरक वगैरह जो भी सामान था तो वो जो है वो हमें मिल रहा था 400 रुपये पाव, मतलब कि ना 200 ना 250 ना 150, चलो 150 तो था भी नहीं पहले भी, और जो है डायरेक्ट मतलब 400 रुपये से बोला। हम रुके थे रेवाड़ी बेकरी पर, लेकिन व्लॉग नहीं एडिट कर सकी मैं वहाँ पर क्योंकि हम व्लॉग इसलिए नहीं बना सके क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और शाह फैसल में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ऊँट वगैरह यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी हो रही है और जो बच्चे हैं वो ऊँट पर सवार हो रहे हैं क्योंकि हर साल जो है वो शाह फैसल में मेला लगता है, बकरा ईद में भी, मीठी ईद पर भी। हम नहीं जाते वहाँ पर बच्चों को लेकर भी क्योंकि मतलब रश इतना ज़्यादा होता है तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चूँकि हैंगर यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और आज जो है वो बना रही हूँ पुलाव बिरयानी क्योंकि अयूब और अम्मी बोल रहे थे बिरयानी बनाने का, तो मैंने कहा चलो बिरयानी बना लेते हैं। आज वैसे भी 2 दिन बाद घर पर हैं, आज हमारी ईद है, आप देख सकते हैं मैं रेडी भी हुई हूँ। आज 2 दिन से मैंने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं सिर्फ बकरा ईद की जो कुर्बानियों की वीडियो थी वही मैंने एडिट की रिकॉर्ड की बस। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब? तो खाना वाना खा लिया, आज ईद का है 3रा दिन, मतलब ख़त्म ही हो गई मगरिब के बाद तो ईद ख़त्म हो जाती है, तो ईद जैसे ही ख़त्म हुई लाइट चली गई, केसी वाले तो इंतज़ार में बैठे थे कि लाइट ईद ख़त्म हो। बिल पूरा भरा था, ऐसी बात नहीं, बिल पूरा भरा था हाँ, और आज ही भरा है बिल। आपको पता है कितना बिल आया? आपको मज़े की बात बताऊँ, आज हम गए सब्ज़ी लेने, अदरक 400 रुपये पाव, शर्म भी नहीं आ रही बगैर तो, वो इतनी महंगी महंगी चीज़ सब्ज़ियाँ कर दी। मुर्गी तो थी 600-700 रुपये किलो, चलो अदरक 400 रुपये पाव, इनको पता है अभी तो अदरक लहसुन लाजमी चाहिए क्योंकि गोश्त में तो कंपलसरी है डलना। ईद पे सामान सस्ता करना चाहिए तो ईद पे उन्होंने महंगा किया हुआ। बस यार क्या बोल सकते हैं, चलें अभी बैठते हैं घर के बाहर जाके थोड़ी देर, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। चलें, हमने खा लिया है, खाना बहुत टेस्टी था शायद, और हालत जो है वो गर्मी से बहुत बेहाल हो रही है, आपको पता है ज़ाहिर है गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है। सो जी चलते हैं जब तक के लिए बाहर, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है आगे, आज चाय पियेंगे या नहीं देखते हैं, अल्लाह मालिक देंगे तो गनीमत हो जाएगी। चलें जब तक के लिए, तो कोई बात नहीं, हाथ भी नहीं हिल रहा फिर भी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अयूब से थोड़ा लड़ने के बाद जो है मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा, हम जा रहे हैं बाहर, अब देख रही हैं मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं वैसे। अब मैं आप लोग को क्या बताऊँ, छोड़ें, अभी हम जा रहे हैं बाहर, आपसे मिलते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या हाँ लेकर जा रहे हैं, पता चले कहीं रास्ते में धक्का ही दे दें लोग, वैसे भी कौन शोर अपनी बीवी से खुश होता है। मैं आप से ये कहना चाहूँगी जितने भी शोहर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जब शादी करके ले आते हैं ना तो उनको निभाना भी सीखो, ये नहीं कि लाके एक कमरे में फेंक दो, ले जा रह। गाइस मैं आई थी आइसक्रीम खाने, लेकिन रश बहुत ज्यादा हो रहा है, रश है बहुत ज्यादा, रश है, इसका नसीब ही खोटा है। देख रहे हैं ना आप क्रॉसिंग पे भी रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है, लेकिन इनको लिमका पीना है ना इसलिए यहाँ पर रुक गए, ये देखें यहाँ पर ये रुके और आइसक्रीम खिलाने नहीं रुके। गाइस हम आए हैं सोडा पीने फ्रिज पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और फिजा बेगम मेरी जो है लगी हुई है लाइन में, अभी देखते हैं कब नंबर आता है इसका, बहुत ज़्यादा रश है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे चौरंगी है, वहाँ पे भी काफ़ी फैमिली आई हुई है बैठी हुई है, मेरे ख्याल ईद इंजॉय कर रही हैं बैठ के चौरंगी में। सो फाइनली गाइस पिज़्ज़ा ने ले लिया है, अगर ये इतनी देर वहाँ रुक जाते ना तो मेरी आइसक्रीम भी आ जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जी, क्योंकि मुझे नहीं पीनी थी, मुझे सोडा ही पीना थी ना, मुझे तो खानी थी अपने लिमके के लिए, वहाँ पे मुझे खड़ा करके निकल यार निकल। सोडा एंजॉय कर, मैं भी सोडा एंजॉय करता हूँ। हम आ चुके हैं चाय लेने के लिए जी,
रोज की तरह। जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, ये मेरा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट है। आप देख सकते हैं, आप सारे व्लॉग में देखेगा इनकी इस तरह की मुस्कुराहट नहीं होगी। इसकी वजह ये, मैंने घर से बोली थी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, पहले अपने दोस्तों के पास चले गए, उसके बाद ये आके मुझे जब बाहर लेकर गए तो उन्होंने मुझे अल्पाइन के अंदर भी नहीं जाने दिया। अरे भाई घड़ों रश था, घड़ों। वैसे ये बात है कि मीठी ईद पे तो रश होता है, बकरा ईद में लोगों को चाहिए अच्छे अच्छे खाने बना के घर में रहे, तो वो फिर भी बाहर निकले हुए सारे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर, और आपने जैसे कि देखा कि मेरी और अयूब की थोड़ी लड़ाई हुई थी, हुई भी थी नहीं हुई भी है अभी भी। हमने लिए चाय और अब मैं नहीं पी रही चाय गुस्से में, क्योंकि उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई। अभी ये है नहीं तो मैंने सोचा थोड़ी बुराई कर लेते हैं, और चाय पी रहे हैं अभी बैठे हुए। इसके अलावा कल देखें हम कहाँ जाते हैं। वैसे कल मेरा प्लान है अम्मी के घर जाने का, वहाँ से हम देखेंगे शायद हम जो है क्रिकेट का संडे बाज़ार घूमें, क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ से भी होते हुए चलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल अनदर व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत टाइम बाद आज हमने व्लॉग बनाया है, कुछ थोड़ी थोड़ी जो है क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी जो क्लिप्स हैं वो हम आपको इसमें दिखाएंगे जो कुर्बानी वगैरह हुई उसकी। हाँ, बस एक चीज़ मिस हो गई कि इस बार हम आपको ऊँट नहीं दिखा सके, और ना ही इन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि इन्होंने लेट कर दिए थे लेके जाने का। 4 बजे हम जब गए थे, जब नहीं कटा था उन्होंने बोला था थोड़ी देर में कटेगा, उसके बाद ये मुझे ले करने गए, तो इस पर भी मैं थोड़ा सा इनसे नाराज़ हूँ। ओके जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।